जन अभियान और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में एक समरसता यात्रा निकाली है। यात्रा का उद्देश्य समाज में समरसता बनाए रखना है, छुआछूत को मिटाना और संत रविदास के आदर्शों और कार्यों को जन जन तक पहुंचाना है। इसी को लेकर समरसता यात्रा पबई नगर में निकाली गई, जहां पर नगर परिषद के जनप्रतिनिधियों ने यात्रा का गाजेबाजी के साथ स्वागत किया। बता दें कि सागर में 14 करोड़ एकड़ भूमि पर लगभग 100 करोड़ की लागत से संत रविदास जी के मंदिर का निर्माण होना है, जिसके भूमि पूजन के लिए प्रदेश के 55,000 गांवों की मिट्टी और 350 नदियों का जल एकत्र किया जा रहा है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ आम जन भी मौजूद रहे। कर यह जन अभियान परिषद और आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा ये यात्रा निकाली गई है, जिसमें हम सभी हमारे नेतागण यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। और यह यात्रा 24 तारीख को बनारस से निकलकर 25 तारीख को माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने इसको हरी झंडी दिखाई थी और आज यह यात्रा आपके पवई में है। ये यात्रा कहाँ जाएगी? ये यात्रा 11 तारीख को सागर पहुँचेगी और वहाँ 12 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन करेंगे।